As the situation in Assam's Dima continues to return to normalcy, the railways are conducting restoration works in full swing. In what has come as positive news, the railway stretches along uh, many vital routes is all set to be completed before the target set earlier. However, there are also concerns that rains might create a disruption. Otherwise, restoration works along this stretch shall be completed before the stimulated time. Our correspondent uh, Swadipa Samsa brings us more. डीमा हासा में रेल कम्युनिकेशन लगभग एक महीने से भी ज्यादा हो गया है अभी भी बंद पा रहा है और कारण यही है कि रिसेंटली बारिश के साथ साथ भूस्खुलन होने की वजह से यहाँ का सेवरल लोकेशन बहुत सारा लोकेशन में रेलवे का जो रेल ट्रैक जो है सिंकिंग हो गया है उसकी वजह से लगभग एक महीने से भी ज्यादा हो चुका है लेकिन रेलवे जो है फिर से रिस्टोर नहीं हो पाई और इस वक्त मैं मौजूद है डाउटू हादसों में और इस वक्त आपको देख रहा होगा कि यहाँ का डाउटू हादसा इलाका में जो रजिस्ट्रेशन का काम जो है जारी है और साथ में डीमा हाथों में ऐसा सेवरल लोकेशन है जहाँ मेजर डैमेज से ग्यारह सेवर डोमेज में से और एक माना जाता है और इसमें और हम जब भी आते हैं तो यहाँ पर कोई कोई ना कोई ऑफिसर को बातचीत करने के लिए कोशिश करते हैं जानकारी ज़्यादा लेने के लिए लेकिन कोई ऑफिसर को आज तक हमने कोई भी स्पोर्ट्स में स्पोर्ट में नहीं मिला लेकिन एक बार हम कह देना चाहते हो कि यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन जो कंपनी जो है वो लोग यहाँ पर मौजूद है उनका हिसाब से कितना पर्सन अभी तक काम कंप्लीट हुआ है उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं इस वक्त कुछ कंपनीज का प्रोजेक्ट मैनेजर मौजूद है जो जानते की दादा ये ये जो है मेजर डेमेजेज उनमें से एक है ये लोकेशन तो अभी कितना दिन अब लोगों का रजिस्ट्रेशन का जो काम जो है चल रहा है और अभी और कितना पर्सेंट हो गया होगा ये ये हमारा सबसे हाँ ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इसके अंडरग्राउंड सीपेज होने के कारण हम लोग फिलिंग वर्क्स जो है उसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे तो अभी हम लोग मोटा मोटी लगभग एक लेवल पे लेके आए उसमें काफ़ी सारा हिडन ड्रेन्स वगैरह एज पर इंस्ट्रक्शन हमने उसको यूज़ किया करने के बाद वो सक्सेस हुआ पानी उधर से अभी निकल रहा है तो अभी हम लोग फिलिंग का काम जो है वो भरपूर हम लोग स्टार्ट कर दिया है मोटा मोटी फीलिंग में दोनों दोनों लोकेशन मिला के हम लोग को फोर्टी परसेंट तक काम अभी कर चुका है हम लोग डे नाइट वर्क कर रहे हैं डबल शिफ्ट में हम लोग का काम हो रहा है डे शिफ्ट एंड नाइट शिफ्ट होल नाइट काम करते हैं हम लोग टारगेट लिया है जैसे रेलवे की तरफ से हम लोग को कहा कि सेवन सेवन जुलाई को सेवन जुलाई को ये कंप्लीट करना है इंजन रोलिंग करेंगे तो हम उसी टारगेट के साथ हम लोग काम कर रहे हैं और इसको काम को स्पीड अप करने के लिए जो भी करना है अगर वेदर साथ दिया तो उससे पहले हम लोग करके निकल जाएंगे क्या दिक्कत क्या बस बारिश का ज्यादा दिक्कत है बारिश बीस बीस में हो, जात हो, हो जाता।, जाता है तो हम लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाता है सारा कॉम्बिनेशन हम लोग का टूट जाता है तो बहुत दिक्कत होता है बारिश आने से बहुत ही दिक्कत होता तो तो हो है चार बा, पाँच दिन बारिश वाह बारिश का कारण हम लोग बहुत डिस्टर्ब होता है बारिश अगर नहीं होता तो हम लोग अभी तक मोटर निकल गया निकल गया बारिश के कारण हम लोग बहुत डिस्टर्ब जी बिल्कुल यही बार बना पड़ेगा का इनका कहना है कि यहाँ का अगर डाउट हुआ था तो जो लोकेशन जो है यहाँ पर मेजर डैमेजेस हुआ है अगर हम बात कहें तो यहाँ पर सेवरल लोकेशन यहाँ पर एक नहीं तीन चार जो, लोकेशन में जो है डैमेज हुआ है उसकी वजह से लोगों लोग जो है कंस्ट्रक्शन को तो 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 कंपनीज जो है वो जो भी काम कर रहे हैं उनको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हो रहे हैं और बीस में और भी ये अभी जो है मानसून सीजन है तो उसमें ज़्यादा काम करने में और भी ज़्यादा दिक्कतें उनके सामने में जो खड़ा होते हुए देख रहे हैं लेकिन खैर जो भी है रेलवे के अथॉरिटी की तरफ से टेन ते, जुलाई तक उनका जो है टारगेट रखा गया है लेकिन ये आ, कब ये ये हो पाएगा या नहीं ये तो अभी बताना फिलहाल मुश्किल है क्योंकि एक ही जगह जो है लोकेशन है सेवरल लोकेशन है वहाँ पे फोर्टी परसेंट थर्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट कोई जगह में ऐसा काम जो है कंप्लीट हुआ है आ, दिमा हासाओं में देखा जाए तो अभी जो है अगर बारिश देता है तो फिर से यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन कंपनी का सामने में और भी ज़्यादा चैलेंजेस आने का संभावना है इसके बाद कैमरा पर्सन हेमो मंदरी के साथ मैं सॉरी हसन सा नॉर्थ ईस्ट लाइव लाउटूस